टॉपिक कंटिन्यू मैंने आप लोग को मिल गई होगी लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे लास्ट टॉपिक सीसी ट्रेनिंग का वो है एफ एच आर पी एफ एच आर पी फर्स्ट होप्स प्रोटोकॉल सर हाँ, येस, येस चाहिए। सर, एक वीडियो जो अभी किसी और बैच की रिकॉर्डिंग आप ओके okay. टॉपिक okay, पे फोकस करते हैं ठीक है टॉपिक है आपका क्या एफ एच आर पी अब ये कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है और देखो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है ठीक है अगर आप मल्टीलेयर स्विच पे भी काम करोगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा लेकिन अभी हम सीखने के अंदर इसे कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन सज को राउटर राउटर के ऊपर सो सिनारी डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के रिक्वायरमेंट कहाँ पे है तो मेरे पास एक राउटर है फॉर एग्जाम्पल आरफन और इस राउटर को आपने लैंड एक स्विच से कनेक्ट कर दिया और ये कंप्यूटर्स है दूसरा जो इंटरफेस है इसका आपने उसे कनेक्ट किया आईएसपी एस पी साइट पे आपका आईएसपी एस पोर्शन है और आई थिंक अब आप लोग को इतना आता है कि अगर आपको एक पूरा एक लैन कनेक्ट करना हो इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करना हो सो अब अब आप लोग को ये टास्क आता है राइट राउटर पे हम लोगों ने नेट कन्फिगर किया था हमने ये भी वेरीफाई किया था कि ट्रैफिक नेट से होके ट्रांसलेट होके लैंड मशीन इंटरनेट की ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है राइट एक नेट का प्रैक्टिकल हमने किया था विथ लाइव ट्रैफ़िक के साथ सबको याद है कि नहीं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आप लोगों ने कन्फिगर किया था नेट आपने स्टैटिक नेट डायनेमिक नेट और पैट का ऑप्शन डिस्कशन किया था जब भी ट्रैफ़िक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाती है तो आप नेट यूज करते हो तो जब हमने नेट डिस्कशन किया था वहां पे आपने एक कंप्लीट पोर्शन को वैन के साइड ट्रैफिक सेंड करके आपने देखा था, यानी फॉर एग्जांपल ये राउटर का जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस है और ये राउटर का जीरो स्लैशन जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो फॉर लैंड साइड नेटवर्क ठीक है सो वन नाइनटी टू 168, मैंने कर लिया और जहाँ पे आपने कन्फिगर किया टेन डॉट टू टॉट थ्री टेन डॉट फोर तो आपने डिफॉल्ट राउट कन्फिगर किया टूवर्ड्स आई एस पी जो नेक्स्ट गेट पे आपका होगा आई एस पी गेट पे आप क्या करोगे एक डिफॉल्ट राउट आप क्रिएट करोगे डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स क्या होगा आई पी राउट

और इस ट्रैफिक इस रूट के हिसाब से और आपने नेट भी कन्फिगर किया इस रूट के हिसाब से आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रेवल कर रहा है ये लैंड मशीन इन सब के लिए डिफॉल्ट गेट वे क्या है इन सब के लिए डिफॉल्ट गेट वे डीजी क्या है आपका वन नाइन टू ये डिफॉल्ट गेट वे तो कंप्यूटर्स के अंदर आपने डिफॉल्ट गेट वे कन्फिगर कर लिया राउटर के दोनों इंटरफेस आपने कन्फिगर कर लिए डिफॉल्ट राउट कर लिया और नेट कन्फिगर कर लिया नेट में नेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने पैट यूज कर लिया पैट अगर आप लोग को याद होगा तो पैट के अंदर हम क्या करते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आई पी एड्रेस पब्लिक आई पी और जब हमने नेट किया था तो हम लोगों ने पूरे लैंसिट को ट्रांसलेट किया था इस आउट गोइंग इंटरफेस आई पी एड्रेस के साथ ये जो जीरो स्लैश वन दिख रहा है ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है तो जो इस इंटरफेस पे आई पी चल रही है आपने उससे ट्रांसलेट कर लिया तो ये आपने एक, एक पूरा लैंड डिजाइन किया और ट्रैफिक इस लैंड नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है कि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है अब यहाँ पे अगर ये राउटर आपका डाउन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स आपका अगर डाउन हो गया तो या हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या अगर ये लैंड इंटरफेस आपका डाउन हो गया तो लैंड इंटरफेस तो ट्रबल शूटिंग आप कैसे करोगे अगर लैंड इंटरफेस डाउन हो गया तो ट्रबल शूटिंग आप कैसे करोगे सबसे पहले आपके पास मैसेज आ रहा है कि लैन मशीन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो आपको तो एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि राउटर पे इंटरफेस डाउन हुआ है या राउटर डाउन हुआ है आप ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे ट्रबल शूटिंग लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री ऐसे आप जाओगे तो लेयर वन आपने चेक किया फिजिकल केबल आपने चेक किया फिजिकल केबल तो डिस्कनेक्टेड नहीं हो गया है फिर आपने लेयर टू चेक किया कि स्विच पे कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन तो किसी ने नहीं कर दी है या स्विच रीस्टार्ट तो नहीं हो गया ठीक है तो मेरा टास्क है मेरा पॉइंट ये है कि आप स्टैटिकली हर एक चीज़ को वेरीफाई करोगे हाँ लास्ट में आपको क्लियर हो गया ये इंटरफेस जो है वो डाउन हो गया तो ठीक है आपने इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश की और ये टाइम लेगा ये टाइम ले रहा है तो आपके लैंड यूज़र इंटरनेट ट्रैफिक या आउटसाइड नहीं जा सकते तो आपने क्या किया आपने सोचा बैकअप प्लान के लिए आपने इस टोपोलॉजी के अंदर क्या सोचा कि बैकअप प्लान बना लेते हैं तो आपने एक और राउटर ऐड किया ये है आपका आर टू राउटर तो आपने बैकअप प्लान के लिए सोचा आर टू ये आर टू को आप यूज करना चाह रहे हो एज अ बैकअप राउटर कि जब भी आपका आर वन राउटर डाउन होगा या लैन इंटरफेस डाउन हो रहा है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी दूसरे राउटर पे। तो जैसे ही आप ये राउटर को ऐड करोगे इस टोपोलॉजी के अंदर जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको थोड़ा सा ये टोपोलॉजी चेंज करना होगा ठीक है यहाँ मैंने लगा दिया एक स्विच सिंपल ये आपके ये आपके नेटवर्क का स्विच है लेयर टू तो स्विच तो ये आई कनेक्शन आ रहा है ये आपका आई पोर्शन है और ये आपका लैंड पोर्शन है तो अभी भी ये एक ही सबनेट आप ध्यान से देखो ये जो है आपका एक ही सबनेट है ये ये एक ही सबनेट चल रहा है जो आईएसपी कनेक्शन आया वो डायरेक्टली आप कहाँ कर सकते थे आप यहाँ पे लगा सकते थे आईएसपी कनेक्शन को बट मैं क्या कर रहा हूँ बीच में मैंने एक लेयर टू स्विच ले लिया और जो आईएसपी कनेक्शन आ रहा है उसको मैंने स्विच पे लगा दिया और ये कनेक्शन मैंने ये कनेक्शन मैंने इस्टेब्लिश किया ये कनेक्शन तो आर टू को मैं यूज कर रहा हूँ अब आपने क्या किया आपने कहा कि ठीक है कि टेन डॉट वन यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे आई पी कन्फिगर कर लेते हैं यहाँ पे है फॉर तो यूज कर रहा हूँ टेन डॉट टू फिफ्टी फोर ले लेते हैं एग्जाम्पल तो आपने एक और राउटर लगा लिया बैकअप के लिए लेकिन आप ध्यान दो कि जब भी आप कंप्यूटर्स का डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो ठीक है जैसे ये आपका लैंड कार्ड है अगर मैं इस लैंड कार्ड में डिफ़ॉल्ट गेटवे की एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे एंट्री के लिए ऑप्शन क्या आता है एक ही गेटवे की एंट्री का ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ डिफॉल्ट गेटवे जब आप सेट करते हो तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है मल्टीपल डिफॉल्ट गेट तो आप एंट्री कर नहीं सकते तो यहाँ पे आपने डिफॉल्ट गेटवे जो सेट किया है वो है टेन डॉट वन टेन डॉट वन और आपके लैंड के साइड में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टू हंड्रेड कंप्यूटर्स है पीसी रखे हुए तो आपने हर एक कंप्यूटर में डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग करके रखी हुई है टेन डॉट वन और बड़े आराम से ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है थ्रू थ्रू इस गेटवे गेटवे दिस अब ये आपका गेटवे डाउन हो गया या लैन इंटरफेस आपका डाउन हो गया आप ट्रबल शूट करोगे ट्रबल शूट करने के बाद आपको क्लियर हुआ कि ये राउटर डाउन है या ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया कोई प्रॉब्लम आ गई तो जब आपको क्लियर होगा तो आप क्या करोगे आप सारे कंप्यूटर पे जा रहे हो और डिफॉल्ट गेट वे चेंज कर रहे हो आप सबको ये कहना चाह रहे हो कि अब आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो आप सबका गेट वे क्या है टेंडोर टू फिफ्टी फोर तो आप हर एक कंप्यूटर पर जाओ जरा सोचो आप दो सौ कंप्यूटर्स अगर टू हंड्रेड कंप्यूटर्स पे आप जा रहे हो सबकी सबके गेट में आप सेटिंग कर रहे हो सबके गेट में आप सेटिंग कर रहे हो स्टैटिकली तो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा चलो ठीक है मान लो आपने एक घंटे के बाद एक घंटे के अंदर आपने सारा कर लिया सारे कंप्यूटर्स को आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे की सेटिंग कर दी और डिफॉल्ट गेटवे आप क्या यूज़ कर रहे हो टू फिफ्टी फोर ठीक है आपकी डिफॉल्ट गेटवे सेटिंग के हिसाब से ट्रैफिक आपका किधर से ट्रैवल कर रहा है इधर से ठीक है अच्छी बात है अब एक घंटे के बाद दो घंटे बाद आपने क्या किया ये राउटर जो आर है इसको ट्रबल शूट किया और ये राउटर आपका अप हो गया थोड़ी देर के बाद एक घंटे बाद दो घंटे बाद तीन घंटे बाद वो अब हो गया अब आप चाहते हो कि ट्रैफिक फिर किधर से जाए टेन डॉट वन से जाए तो आपने क्या किया फिर कंप्यूटर्स पे जा रहा हो हर एक कंप्यूटर पे जा रहा हो कितने कंप्यूटर्स हैं आपके पास टू हंड्रेड कंप्यूटर्स तो आप हर कंप्यूटर्स पे जा रहे हो और वहां पे गेटवे चेंज कर रहे हो आप तो ये मैनुअल टास्क टास्क लग रहा है राजन करण किशन जाहिर ये टास्क आपको मैनुअल लग रहा है यानी अगर एक गेट डाउन होगा तो मैं फिर कंप्यूटर पे जा रहा हूँ और सब पे गेटवे चेंज कर रहा हूँ आर वन फिर से अप हो गया और मैं चाहता हूँ ट्रैफिक उधर से जाए मैं चाहता हूँ ट्रैफिक उधर से उस राउटर से जाए तो अगेन मैं उस गेटवे की एंट्री करूँगा तो ये मैनुअल टास्क है ठीक है अब कुछ ऐसा होता कि ये टास्क ऑटोमेटिक होता यानी अगर एक गेट डाउन हो रहा है ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी दूसरे राउटर पे और हर एक नेटवर्क हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है ये ध्यान रखना है एफ एच आर पी एफ एच आर पी का जो कॉन्सेप्ट है एफ एच आर पी के कॉन्सेप्ट में आप क्या यूज करते हो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आप स्टडी करते हो यहाँ पे आप प्रोटोकॉल स्टडी करते हो एच एस आर पी वी आर आर पी एंड जी एल पी पी सी सी एन के अंदर आपको सिर्फ एच एस आर पी स्टडी करना है और वी आर आर पी बट हाँ अगर पूरा डिटेल आपको डिस्कशन करना है एच एस आर पी वी आर आर पी जी एल पी पी देन वो किसकाप्ट है सी सी एन पी जी एल बी पी क्या है गेट वे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल अभी बात करेंगे पहले आप इस पॉइंट पे हो मैंने कहा कि कुछ ऐसा होता कि ये डायनेमिक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता कि अगर गेट वे मेरा डाउन हो रहा है अगर मेरा एक गेट वे डाउन हो रहा है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ट्रैवल करेगा इधर से मुझे बैठ के हर एक कंप्यूटर पे गेटवे की सेटिंग नहीं करनी तो ये डायनमिक्स इनारियो क्रिएट करने के लिए आपको टॉपिक स्टडी करना होता है एफ ये डायनामिक्स इनारियो क्रिएट करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स कन्फिगर करने होते हैं और वो है आपका एच एस आर पी वी आर आर पी एन जी एल पी पी अगर आप एच एस आर पी में काम कर रहे हो अगर यहाँ पे आप एच एस आर पी कन्फिगर कर रहे हो ये एक्चुअली में से क्या कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल एच एस आर पी वी आर आर पी इन सब बो बोलते हैं तो गेट लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल तो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं एच एस आर पी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो एच एस आर पी के सिनेरियो में क्या होता है एक राउटर आपका एक्ट करता है एज एक्टिव और दूसरा डिवाइस आपका एक्ट करता है एज अ स्टैंड बाय तो आप करते क्या हो आप ये दोनों जो गेटवे आपको दिख रहे हैं ये दोनों गेटवे जो आपको दिख रहे हैं लैंड के इंटरफेस ये गेटवे फॉर एग्जांपल ये भी कौन सा आपका जीरो स्लैड जीरो इन दोनों गेटवे के आईपी को कंबाइंड किया आपने और एक वर्चुअल आईपी आप यहाँ पे क्रिएट कर दो जब आप एच एस करोगे तो ये आप डिसाइड करोगे क्या आई आपको कन्फिगर करनी है पर जो सबनेट चल रहा है लैंड के साइड में उसी सबनेट का एक आईपी आपको यहाँ पे कन्फिगर करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आई पी कन्फिगर किया इन दोनों गेट वे को कम्बाइन करेंगे विथ एच एस आर पी कॉन्सेप्ट और एक वर्चुअल आई पी क्रिएट कर सकते तो मैंने कन्फिगर किया वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो टेन डॉट हंड्रेड एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेट वे एज अ डिफॉल्ट गेट वे फॉर लैंड कंप्यूटर सो अब गेट वे कौन सा आपका वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड सारे कंप्यूटर्स के लिए तो मैंने कहा अगर आप पचास पी यूज कर रहे हो तो एक डिवाइस आपका एक्ट करता है एज अ एक्टिव दूसरा एक्ट करता है स्टैंड बाय अभी डिसाइड कैसे होगा कौन सा एक्टिव होगा कौन सा स्टैंड बाय होगा अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लियर होगा कैसे डिसाइड करते हो आपकी एक ये आर वन ही एक्टिव होगा और आर टू स्टैंड बाय होगा अभी बात करेंगे इन कॉन्फ़िगरेशन बट ये क्लियर कर, क्लियर रखो आप कि एक डिवाइस आपकी एक्टिव होती है दूसरी डिवाइस क्या होती है स्टैंड बाय सारी ट्रैफिक आपकी किधर से ट्रैवल करती है सारी ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी थ्रू एक्टिव अप्लायंस एक्टिव बॉक्स एक्टिव गेट पे आप कह सकते हैं जैसे आपका लाइन इंटरफेस ये डाउन हुआ जैसे आपका लाइन इंटरफेस डाउन हुआ तो ये डिवाइस आपका ये डिवाइस क्या करेगा एक्ट करेगा एज एक्टिव और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली आप इस बॉक्स से ट्रैवल कर रही है और अगर थोड़ी देर के बाद अगर ये बॉक्स आपका अप हो जाता है आर वन देन और आप चाहते हो कि ये बॉक्स अगेन अगेन एक्टिव गेट पे बन जाए तो आपको प्रियम्पन की टेक्निक यहाँ पे इनेबल करनी होती है प्रियम्शन कैसे इनेबल करते हैं अभी आप लैब में देखोगे बट प्रियम्पन क्या होता है मैंने कहा अगर एक्टिव बॉक्स आपका डाउन हो गया स्टैंड बाई डिवाइस आपका क्या बन गया एक्टिव बट थोड़ी देर के बाद दस मिनट के बाद एक घंटे के बाद ये बॉक्स फिर से अप हो गया तो अगर मैंने प्रियमशन की टेक्निक तो ये एक राउटर बनेगा एक्टिव और गेटवे एड करोगे अभी तो ये स्मॉल जिसमें आपने दो गेटवे लिया हुआ है आपने तीन या चार राउटर लिया होता so, yes, है सो एच एस आर पी जाए कोई क्वेश्चन आपका नो सर ओके माइक म्यूट कर लीजिए मैं क्या कह रहा था हाँ सो एच एस आर पी केस में आप क्या करते हो एच एस आर पी केस में एक डिवाइस आपका एक्टिव होता है और बाकी जितने भी अप्लायंस होते हैं जितने भी राउटर आपने लगा के रखे फॉर एग्जाम्पल आपने चार राउटर लगा कर रखे हैं तो एक राउटर आपका एक्टिव होगा बाकी बाकी जो आपकी हैं थ्री राउटर वो स्टैंड स्टैंड बाय मोड में बैठे होते हैं सो एच एस आर पी केस में सिर्फ आप एक ही गेट वे को यूटिलाइज कर सकते हो राजन करण किशन एच एस आर पी केस में सिर्फ आप एक ही गेट वे को यूटिलाइज कर सकते हो अब एच एस आर पी क्या है एच एस आर पी एंड जी एल बी पी ये दोनों प्रोटोकॉल सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एच एस आर पी और वी आर एच एस आर पी और जी एल बी पी इन दोनों प्रोटोकॉल्स को आप यूज कर सकते हो ओनली ऑन सिस्को डिवाइसेस सिस्को डिवाइसेस बट अगर मान लो आप किसी मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई और वेंडर है तो उसके लिए आपको जाना चाहिए वी आर आर पी के साथ वी आर आर पी क्या होता है आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और आपको नेटवर्क में वैसे भी वी ही मिलेगा वी ही मिलता है क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट केसेस में हमें अदर वेंडर के डाउटर्स मिल जाते हैं तो वहां पे एच आप यूज नहीं कर सकते तो वी आर आर पी अक्सर आपको मिल जाएगा प्रोटोकॉल है।, so, है तो सिस्को के डिवाइसेस पे आप यूज कर सकते हो और वी आर आर पी ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो आप इसको किसी भी वेंडर पे कंफिगर कर सकते हो एच एस आर पी केस में क्या होगा मैंने आपको बताया एक डिवाइस एक्टिव होगा और बाकी सारे डिवाइसेस स्टैंड बाय स्टैंड बाय मोड में बैठे होंगे वीआरआरपी में क्या होता है वीआरआरपी में एक डिवाइस को आप क्या बोलते हो वीआरआरपी में एक डिवाइस को आप बोलते हो एज अ वेट ओके वीआरआरपी में जब आप काम करते हो वीआरआरपी में एक डिवाइस को आप बोलते हो मास्टर यहाँ पे मास्टर और दूसरा डिवाइस आपका क्या होता है बैकअप बैकअप सो जो मोड है आपका जो रोल है डिवाइस का वो चेंज हो जाता है अगर आप एच एस आर पी में काम करते हैं तो एक डिवाइस आपका होता है एक्टिव दूसरा होता है स्टैंड बाय और अगर आप वी आर आर पी में काम कर रहे हो तो एक राउटर होता है मास्टर ट्रैफिक आपकी मास्टर राउटर जाती है और दूसरा राउटर आपका एक्ट करता है एज अ बैकअप राउटर तो अगर मास्टर डाउन होगा तो जो बैकअप राउटर है वो मास्टर बन जाता है और फिर आपकी से है आपको अगर आपको सारे गेट वे को यूटिलाइज करना है मान लो आपने तीन गेट वे चार गेट वे आपने लगा कर रखे और आपको सारे गेट वे को यूटिलाइज करना है तो आपको जाना होता है विदी गेट वे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल जीएलबीपी में कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सी सी पी का टॉपिक है लेकिन हाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ ठीक है जीएलबीपी में क्या होता है आप मल्टीपल गेटवे को यूज करते हो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है so, अगर आप GLBP यूज करो इसका मतलब मेरे पास मल्टीपल गेटवे है R1, R2, थ्री और फोर यहाँ पे मल्टीपल गेट वे ठीक है मल्टीपल गेट वे आपने अटैच किए हैं, मल्टीपल गेट वे के केस में एक डिवाइस आपका क्या बनता है एक डिवाइस आपका बनता है एवीजी, एक्टिव वर्चुअल गेट वे और वही राउटर बनता है एवीएफ, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर और बाकी सारे राउटर को आप क्या बोलते हो एवीएफ एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर सो जी एल बी पी के सिनारियो में आपका सारे गेटवे को एट टाइम सारे गेटवे को आप, यू, आप यूटिलाइज कर सकते हो, हो। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग की टेक्निक हम यूज करते हैं तीन टाइप की लोड बैलेंसिंग टेक्निक आती है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको एडे दे रहा हूँ ठीक है लोड बैलेंसिंग टेक्निक आप यूज करते हो अब यहाँ पे हर एक राउटर को आप क्या बोलते हो एवीएफ एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर बट एक राउटर आपका होता है वो एवीएफ भी होता है और वो ए भी होता है एवीजी का मतलब होता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे यानी जो राउटर ए होगा वो कंट्रोलर होगा कंट्रोलर यानी सारा का सारा लोड कहाँ जा रहा है ए के पास और फिर एवी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस लोड को शेयर कर रहा है अपने बाकी गेटवे के साथ अपने बाकी गेटवे के साथ तो इसको आप क्या बोलते हो एक्टिव वर्चुअल गेटवे तो जीएलपीपी में आप मल्टीपल गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हो बट वहां पे लोड शेयरिंग का टेक्निक है थोड़ा सा और थ्रेटिकली देखते हैं ठीक है स्लाइड वेट यस यस राजन यस सर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लोड बैलेंसिंग व्हाट आर ऑल द यूज केसेस सर

सिसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आप सिसको के डिवाइस पर यूज कर सकते हो एच एस आर पी एच एस आर पी यूज करता है टू टू फोर डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू फॉर वर्जन वन इसका मतलब एच एस आर पी के दो वर्जन आते हैं एच एस आर पी वर्जन वन एच एस आर पी वर्जन टू अगर आप वर्जन वन यूज कर रहे हो एच एस आर पी तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा टू टू फोर डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू और अगर आप वर्जन टू यूज कर रहे हो तो टू टू फोर डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन जीरो टू ऑन सेम सेम मल्टीकास्ट ग्रुप आईपी एड्रेस यूज करता है जीएलबीपी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सो एचएसआरपी एचएसआरपी आपका यूज करता है यूडीपी वन नाइन एट फाइव और वीआरपी यूज करता है यूडीपी वन वन टू जीएलबीपी यूज करता है यूडीपी थ्री ट्रिपल टू अब यहाँ पे हेलो टाइमर हेलो टाइमर कॉन्सेप्ट क्यों क्योंकि मैंने मैंने कहा दो डिवाइसेस आप ले रहे हो ठीक है दो डिवाइसेस है आपका आर आर टू तो यहाँ पे ये हेलो हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं अगर आप एच एस आर पी और जी पी पी में काम कर रहे हो तो हेलो टाइमर क्या है आपका थ्री सेकेंड का वी आर आर पी में हेलो टाइमर कितना कितना है वन सेकेंड सो हेलो टाइमर का मतलब हर तीस सेकेंड के बाद ये आपका गेट वे वन फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइस आपका एक्टिव है ये डिवाइस आपका पैसिव है या स्टैंड बाई है हर तीन सेकेंड पे वो हेलो पैकेट भेज रहा है इसको हेलो मैं एक्टिव हूँ हेलो मैं एक्टिव करंट क्लियर है मेरी बात आर टू को कैसे क्लियर हो रहा है कि आर टू को कैसे क्लियर हो रहा है कि अभी आर वन एक्टिव है मुझे पैसिव स्टेट में ही रहना है आर वन जो एक्टिव डिवाइस है उसे वो क्या कर रहा है हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहा है विद आर टू वो क्या बता रहा है हर तीन सेकेंड पे हेलो मैं एक्टिव हूँ आप इस टाइमर को चेंज भी कर सकते हैं होल्ड ऑन टाइमर क्या होता है होल्ड ऑन टाइमर सो so, अगर ये आपका आर फन डाउन हो गया या आपका ये जो लैंड इंटरफेस है वो डाउन हो गया तो आर टू कितने टाइम तक वेट करेगा आर टू वेट करता है होल्ड ऑन टाइमर कितना होता है टेन सेकेंड का यानी आर टू सिर्फ से दस सेकेंड वेट करेगा दस सेकेंड में अगर ये आपका आर फन फिर से अप हो गया तो बेटर है ये आपका एक्टिव ही रहेगा और अगर वो दस सेकेंड के बाद रिप्लाई यानी दस सेकेंड तक उसका हेलो पैकेट अगर नहीं आया तो ये डिवाइस अपने आप को कंसीडर कर लेगा एज अ एक्टिव जाहिद क्लियर यस किशन क्लियर है आपको ना हाँ अगर मैं मैंने कहा अगर आप एच एस आर पी एंड जीएलपी यूज कर रहे हो तो एक डिवाइस को आप क्या बोलते हो एक्टिव और दूसरे डिवाइस को क्या बोलते हो आप स्टैंड बाय अगर आप जी एल पी में जी एल पी में काम कर रहे हो तो एक डिवाइस क्या होता है आपका ए वी जी और वही वही राउटर आपका क्या होता है ए वी एफ और बाकी आपके और भी ए वी एफ आप ऐड कर सकते अगर आप वी आर आर पी के साथ काम कर रहे हो तो आपका राउटर का रोल क्या होगा वी आर आर पी में एक राउटर क्या होगा आपका मास्टर या उसको एक्टिव बोलते हो आप और बाकी जो जो गेट हैं उनको आप क्या बोलते हो बैकअप राउटर्स इलेक्शन कैसे होता है अभी मैंने कहा कि दो राउटर्स अगर है मेरे पास आर वन और आर टू अगर मैं एच एस आर पी यूज कर रहा हूं तो ये कैसे डिसाइड होगा? होगा कि कैसे डिसाइड होगा कि आर वन बनेगा एक्टिव एंड आर टू बनेगा आपका स्टैंड बाय सो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है प्रायोरिटी वैल्यू कैसे आप चेंज करोगे अभी बात करेंगे बट आप यहाँ देखो जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू क्या होगी हायर होगी वो क्या बनेगा एक्टिव और जिसकी लोअर होगी वो क्या बनेगा स्टैंड बाय तो ये प्रियोरिटी वैल्यू का सबके लिए सेम है जिस डिवाइस की प्रियोरिटी वैल्यू हायर है वो है एक्टिव जिसकी लोअर है वो एक्ट करेगा एज अ स्टैंड बाय नाउ मैंने कहा प्रियमशन का टेक्निक टेक्निकियम्पन की टेक्निक बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है प्रियमशन क्या होता है अभी मैंने समझाया है प्रियमशन का मतलब कि अगर ये आपका एक्टिव बॉक्स डाउन हो गया और स्टैंड बाय डिवाइस बन गया एक्टिव ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है इस, इस बॉक्स से थोड़ी देर के बाद अगर ये आपका एक्टिव अप्लायंस फिर से अप हो गया तो ये एक्टिव नहीं होगा ध्यान रखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रियमशन की टेक्निक बाय डिफॉल्ट प्रियम्शन की जो टेक्निक है वो क्या होती है डिसेबल होती है एच एस आर पी एंड जीएल वी आर आर पी में ऐसा नहीं है वी आर पी में प्रियमशन होता है एक अच्छा बेनिफिट आप कह सकते हो इन वी आर आर पी बट इन HSRP GL GLPP प्रीएम्पशन की जो टेक्निक है वो डिसेबल होती है आपकी आप इनेबल कर सकते हो इनेबल करोगे तो आप क्या बेनिफिट है आपका कि अगर एक्टिव बॉक्स डाउन होता है एक्टिव बॉक्स आपका डाउन होता है और स्टैंड बाय डिवाइस बनता है एक्टिव और थोड़ी देर के बाद अगर ये बॉक्स फिर से अप होता है तो अगेन ये क्या बन जाएगा एक्टिव अब यहां पे आप क्या कर रहे हो आप दोनों जो गेटवे है ये जो गेटवे है आपका लैंड इंटरफेस इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके आप फॉर एग्जांपल यहाँ आई पी है और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो वन टू वन डॉट फिफ्टी फोर इन दोनों को कंबाइन करके आप एक वर्चुअल आई पी यहाँ पे क्रिएट करते हो वर्चुअल आई पी अब इस वर्चुअल आई पी का एक वर्चुअल मैक एड्रेस होगा वर्चुअल आई पी का वर्चुअल मैक एड्रेस अगर आप एच के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे वर्चुअल स्टार्ट होता है जीरो, जीरो सेवन मतलब से बी फोर तो एक टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है रेस्ट जो आपका डिस्कशन है मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेट फाइव मिनट आप रुक जाइए मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं ओके okay, वेट एवरीवन सबको मेरी आवाज आ रही राजन करण किशन टोपोलॉजी yes, तो yes. मैंने yes, क्रिएट किया, yes, yes, okay. no, okay. किया है यस यस करण क्वेश्चन नो सर टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया है फॉर एंड लैब तो पहले मैं टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है तब तक राउटर स्टार्ट हो रहा है टोपाली एक बार डिस्कशन कर लेते हैं तो ये मेरे पास आर वन राउटर है और मैंने एक और गेट इस टोपोलॉजी के अंदर ऐड किया हुआ है एक और गेटवे अब यहाँ से ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका आई का पोर्शन है ध्यान रखना सो टेस्टिंग करने के लिए एक मशीन है इस राउटर को मैं यूज कर रहा हूँ लैंड पी सी ठीक है कुछ नहीं करना है आपको इस इंटरफेस पे आप आईपेड कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए इसके अंदर गेटवे की सेटिंग कर लीजिए गेटवे की सेटिंग कैसे करते हैं एक राउटर को लैंड लैंड पीसी के अंदर कैसे यूज करते हैं अभी मैं अभी मैं आपको बता दूंगा यस राजन लेकिन उसके लिए फिर आपको डिफॉल्ट राउटिंग जब आप करोगे uh -huh. तो आपको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिसाइड करना होगा ठीक है कि किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है ठीक है

सिंपल है R1 से आपने आपने दो कनेक्शन कनेक्शन एक connection, एक ISP को लगा दिया आपने, okay. और एक आपने एक कनेक्शन आपने और ISP. ये मैं R1 ले इधर okay. नेक्स्ट है, है आपका फोर्टी फोर डॉट फोर्टी फोर डॉट फोर्टी फोर डॉट हंड्रेड तो आप डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो आपको कैसे करते हो आप डिफॉल्ट राउट आईपी राउट

राइट right? yes, अब sir. ये रूट मैं यूज करना चाहता हूं एज अ सेकेंडरी रूट तो मैं यहाँ पे एडी वैल्यू क्या यूज करूंगा फॉर एग्जाम्पल टेन डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होता है स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए एडी वैल्यू याद है ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है तो so, इस रूट का बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका वन राइट ओके और इधर आपने अभी चेंज किया है एडी वैल्यू तो क्या है इधर टेन तो ये सेम यही आपको यहाँ पे करनी दूसरे राउटर पे आप दूसरे राउटर पे, तो पे तो कॉन्फ़िगरेशन कर ही आपको अगेन क्योंकि गेटवे तो वही गेट आपका एक और एंट्री क्रिएट की ठीक है ये सेम सिंटेक्स आपको सेम सिंटेक्स आपको कॉपी करके आप सीधे आर टू पर पेस्ट कर लीजिए नो प्रॉब्लम तो इस आर टू के लिए भी क्या है ये आपका लोअर एडी वैल्यू है राइट right? और ये क्या आपका हायर सो so, अगर आपका अगर आई एस पी वन आपका डाउन होता है ठीक है आई एस पी वन आई एस पी वन डाउन नहीं हुआ ये देखो ध्यान देखो आप यहाँ पे क्या है आपका इंटरफेस डाउन होता है okay. राजन yes, यहाँ पे कॉन्सेप्ट yes. समझना है आपको ठीक है ये आप ऐसा मत सोचना देखो एंट्री आपने कर दी इसका मतलब ये नहीं कि आई एस पी डाउन होगा तो ये रूट शिफ्ट कर लेगा ओके ठीक है इस सिनारे में आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इंटरफेस आपका अब ये दो इंटरफेस है तो जिस इंटरफेस की प्रायरिटी वाली लोअर है for example, इसकी तो ये अगर डाउन हुआ तो ये रूट आपका स्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल क्लियर ओके ओके गॉट इट लेकिन अगर, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है अगर मान लो आपका इंटरफेस डाउन नहीं हुआ ये जो दो आई आपने लिया था इसमें से ये आई डाउन हो गया तो आप समझिए तो अभी क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया जीरो स्लैश जीरो डाउन हो गया तो ये रूट आपका स्टॉल होता है इन राउटिंग टेबल Yes. तो आपके राउटर का इंटरफेस डाउन होगा तो ठीक है बट जरा सोचो आईएसपी आईएसपी का जो गेटवे इज गेटवे गेट राउटर से आप कनेक्टेड हो वही डाउन हो गया तो तो ये काम नहीं करेगा एग्जैक्टली क्लियर यस सर अब उसके लिए आप कॉन्फिगर करते हो आईपीएसएल अगेन अब मैं लालच लालच को बढ़ा रहा हूं ठीक है राजन

ओके okay, सो so यहाँ पे एवरी वन आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी मैंने कहा कि आपके पास एक गेट वे ये है दूसरा गेट वे ये है ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका लैंड पोर्शन है तो ये आपका लैंड इंटरफेस आई पी इस गेट वे पे आप यूज कर रहे हो टेन और टू इस गेट पे और दोनों को कंबाइन करने के बाद जो वर्चुअल आई पी हमें क्रिएट करना है वो है ये और ये वर्चुअल आई पी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेट वे फॉर ऑल लैंड कंप्यूटर तो अभी हमारा टास्क एचएसआरपी इम्प्लीमेंटेशन पे तो एचएसआरपी तो अभी कॉन्फिगर करेंगे बट ये बेसिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है बेसिक कॉन्फिगरेशन मैं आर3 से स्टार्ट कर रहा हूँ हूं आर3 को हम यूज कर रहे हैं स्टोपोली के अंदर एज अ सिंपल लैंड मशीन वेट तो अभी मैं सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ठीक है क्लियर करना है आपको ये आपका लैंड सो होस्ट डे मैं इसको दे रहा हूँ लैंड पी सी वन इंटरफेस फ़ास्ट इथन एट जीरो स्लैश जीरो मैं इसको ट्वेंटी दे रहा हूँ मास्क नो शट डाउन नो शट डाउन और यहाँ पे गेट की एंट्री कैसे करनी है आपकी आईपी डिफॉल्ट गेट कमांड होती है IP default तो मैं इसका set कर रहा हूं, 192, 168, 250, done. जैसे आप ये एंट्री करते हो ये राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज सिंपल मशीन एक मशीन जिस पे जिसके इंटरफेस पे आईपी चल रही है और गेटवे की सेटिंग आपने कर दी नाउ आर वन पे आते हैं होस नेम आर वन आर वन इंटरफेस फास्ट इथन एट जीरो स्लैश जीरो आई पी एड्रेस आपने प्लान किया है टेन डॉट वन मास्क नो शट डाउन एक और इंटरफेस है पब्लिक फेसिंग इंटरफेस फास्ट ईथन एट जीरो स्लैशी नाइन डॉट नाइनटी नाइन डॉट नाइंटी नाइन डॉट वन

और नेक्स्ट ओप आई पी नाइनटी नाइन ये आई पी अभी थोड़ी देर में आप कॉन्फ़िगर करोगे ऑन स्पीड राउटर तो ये क्वेश्चन है, है, yes, है आपका सर गेटवे नहीं देंगे पे. ये आपने गेटवे तो सेट किया डिफॉल्ट क्या होती है ये आपका राउटर जो है ये पब्लिक फेसिंग राउटर है राइट right? mm -hmm. करण

ये मैंने यहाँ पे बस एंट्री करके रख दिया ठीक है ओके ओके अभी एच कॉन्फ़िगर करेंगे फिर वर्चुअल आईपी डिसाइड करेंगे ठीक है mm -hmm. अभी मैं सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फिगेशन कर रहा हूँ कि जी mm -hmm. जी सर क्लियर है आप आई होप आपको जी सर ओके okay. जी आर पे मूव करते हैं आर टू फास्ट इथर एट जीरो स्लैश जीरो वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट टू मास्क नो शट डाउन

अभी हम लोगों ने कोई भी एच एस आर पी कमांड यूज नहीं है हम एक सिंपल टोपोलॉजी पहले क्रिएट कर रहे हैं ये आपका फास्ट इटन जीरो स्लैश जीरो होस्ट नेम ये आपका आईसपी नाइन्टी नाइन डॉट नाइन्टी नाइन डॉट नाइन्टी नाइन डॉट नाइंटी नाइन डॉट नाइन्टी नाइन डॉट हंड्रेड टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव नो शट डाउन आप एक लू पैक भी यहाँ चाहो तो क्रिएट कर सकते हो फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर यार है तो नो फॉलो इंटरफेस आपने कंफिगर कर लिया है ना no. सो so, मैं यहाँ पे पहले तो मैं आईएसपी के पास आ रहा हूँ ये आपका आर्बर मैं आईएसपी एस यहाँ से बैठ के पहले तो मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट होप की नेक्स्ट होप की एंट्री मेरे पास है कि नेक्स्ट होप मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंक कर सकता हूँ कि और एक राउटर भी आप क्रिएट एक लूप बैग आप क्रिएट ही कर दो ठीक है वेट इंटरफेस लूप बैग जीरो मैंने कहा फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर आर फोर राउटर है तो मैंने लूप बैग यूज़ कर लिया फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर तो सबसे पहले सबसे पहले मैं इस आर वन से अगर मैं डिफ़ॉल्ट राउट चेक करूँ तो किसी भी अन डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट होप क्या है नाइनटी नाइन डॉट हंड्रेड तो अगर मैं पिंग करूँ यहाँ पे फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर को मुझे रिप्लाई आनी चाहिए मुझे आ रही है यही कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कर लीजिए आर टू से पिंग फोर डॉट फोर डॉट फोर ये आपने फोर डॉट फोर डॉट फोर का लुक बैक आर फोर पे क्रिएट किया है उधर आपने डिफॉल्ट राउटिंग क्रिएट किया हुआ किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ओके अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ आर थ्री ये लैंड मशीन से अगर पिंग कर रहा हूँ लैंड मशीन तो पहले एक काम करते हैं मैंने गेटवे की सेटिंग की है याद है आप लोग को मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं मैनुअली बता रहा हूँ आई पी डिफ़ॉल्ट गेट वे मैं कह रहा हूँ 192, 168, टू टेन डॉट वन ये आपका गेट वे है मैं मैनुअली बता रहा हूँ अभी so, सो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर को मैं आर थ्री पे हूँ और आर फोर लुपबैक को पिंग कर रहा हूँ तो मेरी ट्रैफिक आर वन पे जाएगी आर वन पे जाएगी और फिर आर वन आर फोर का कर सेंड करेगा तो मेरी ट्रैफिक आर फोर पे आर वन पे जा रही है बट फोर के साइड से आपको एंट्री करनी होगी रिटर्न ट्राफिक के लिए तो मैं आर फोर पे आ रहा हूं मतलब आई एस पी डॉटर में किसी को भी वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट जीरो पे जाना है टेन डॉट जीरो लैंड पोर्शन टेन डॉट जीरो पे जाना है तो एक गेट वे है नाइनटी नाइन डॉट नाइन डॉट वन और एक और गेट वे है नाइनटी नाइन डॉट नाइन डॉट नाइनटी नाइन डॉट तो ये आपने एंट्री कर ली रिटर्न ट्रैफिक के लिए अब अगर मैं यहां से पिंग कर रहा हूं फोर डॉट फोर डॉट फोर को अभी आप बेसिक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हो एच एस आर पी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो मैं कह रहा हूं ट्रैफिक जा रही है और अगर आप रिसर्ट कर रहे हो फोर डॉट फोर डॉट फोर के लिए आप किधर से जा रहे हो तो आप किधर से जा रहे हो एवरी वन टेन डॉट वन अगर आपने गेटवे चेंज किया फॉर एग्जाम्पल आपका आर वन क्या हो गया डाउन हो गया तो मैंने गेट वे चेंज किया तो मैंने गेट वे क्या एंट्री बोला मैंने बोला गेटवे अब आपका टू है

Yes, एक ब्रेक लेते हैं yeah. पांच मिनट yes, का sir. और फिर कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को ठीक है ओके एवरीवन सेवन सेवन थ्री पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए हाय एवरीवन सबको मेरी आवाज आ रही है राजन करण चाहे yes, जी सर चाहे आपको मेरी आवाज आ रही है यस सर ओके ओके टॉपिक कंटिन्यू करते हैं ठीक है सो यहाँ पे यहाँ पे अभी आपने जो एंट्री किया है डिफ़ॉल्ट डिफॉल्टीटिक एंट्री वो आपने किया है स्टैटिकली देख रहे हो ना आपने एंट्री किया है क्या आपने बोला टेन डॉट टू से जा रहा है तो ये जो मशीन है वो उसकी ट्रैफिक टेन डॉट टू से आ रही है मान लो आपने फिर से चेंज कर दिया आपने बोला कि ये गेट वे नहीं होगा गेट वे अगेन आपका टेन डॉट वन है तो अगर आप चेक करोगे ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है और आप ट्रेस करोगे तो आपकी ट्रैफिक टेन डॉट वन से आ रही बट हमारा टास्क ये मैनुअल का नहीं है राइट हमें क्या करना है डायनेमिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो मैं आर वन राउटर पर आ रहा हूँ और यहां पे मैं एच एस आर पी कंपेयर कर रहा हूं तो आपका लैंड फेसिंग इंटरफेस कौन सा है जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस तो मैं जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस पे आ रहा हूँ और एच एस आर पी इनेबल करने की कमांड क्या होती है स्टैंड बाय कमांड क्या होता है स्टैंड बाय आप क्वेश्चन मार्ग टाइप करो यहाँ पे तो आप यहाँ पे इस स्टैंड बाय एस आर पी ग्रुप नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप यहाँ पे लिया वन सो so, ग्रुप नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन जीरो अगर मैंने लिया यहाँ पे वन तो सेम नंबर मुझे यूज करना है दूसरे राउटर पे ना वन क्वेश्चन मार्क आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ रहा है ऑथेंटिकेशन आई पी आई पी वर्जन सिक्स मैकेट बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो मैं यूज कर रहा हूँ आई पी कमांड आई पी कमांड से क्या होता है इनेबल एच एस आर पी आई पी वी फोर

मेट नेम ग्रुप और छोटा सा नाम ले लेते हैं जी आर पी वन जी आर पी वन नाव स्टैंड बाय स्टैंड बाय प्रियोरिटी वैल्यू प्रियोरिटी वैल्यू डिफॉल्ट प्रियोरिटी वाली कितना होता है हंड्रेड अगर आप क्वेश्चन मग टाइप करो हर एक राउटर की प्रायोरिटी वाली क्या होती है एच एस आर पी प्रियोरिटी वालू हंड्रेड होती है अगर आपको चेंज करना है तो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन जीरो फाइव तो मुझे इस बॉक्स को इस आरवन को मुझे यूज करना है एज अ एक्टिव फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे हाइयर प्रियोरिटी वैल्यू यूज करूंगा तो मैंने यूज किया वन फोर्टी वन फोर्टी अगर आपको टाइमर्स चेंज मार्क टाइप करो तो सबसे पहले आपसे किसकी डिमांड कर रहा है वो हेलो इंटरवल तो मैंने कहा हेलो इंटरवल आपका फाइव सेकेंड का होगा क्वेश्चन मार्क देखो जैसे ही आपने हल, हेलो इंटरवल सेलेक्ट किया फाइव सो होल्ड ऑन टाइमर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सिक्स से अगर आपने लिया है कहाँ हेलो इंटरवल लिया फॉर एग्जाम्पल थ्री एंड होल्ड ऑन टाइमर मैंने लिया फोर डन या अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो शो रन इंटरफेस फास्ट इथन एरो तो आपने कमांड क्या टाइप किया स्टैंड बाई स्टैंड बाई वन आई पी वेट मैं इसे कॉपी कर लेता हूं क्योंकि सेम कमांड हमें पेस्ट करना है दूसरे राउटर पे सो so, कमांड क्या सिंटेक्स क्या आपका स्टैंड बाय वन आई पी देन आपने वर्चुअल आई पी डिसाइड किया स्टैंड अप स्टैंड बाय वन टाइमर्स या आपका हेलो टाइमर है या आपका डेड इंटरवल है स्टैंड बाय वन प्रायोरिटी वैल्यू वन फोर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं स्टैंड अप स्टैंड बाय वन नेम और ग्रुप वन सो यहां पे मैं प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वन ट्वेंटी और इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और इस कमांड को मैं पेस्ट करने वाला हूँ ऑन आर टू राउटर सो आर टू पे आते हैं इंटरफेस फास्ट एंड एट जीरो स्लैश जीरो कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर लिया डन अब आप आर वन और आर वेट आर वन और आर टू पे आप स्टेटस वेरीफाई करो देखो आपको कुछ मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया कि ये इसका स्टेटस देख रहा है स्पीक तो यहाँ पे आते हैं और कमांड में यूज कर रहा हूँ बाई कमांड शो स्टैंड बाई में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है दूसरे आउटपुट पे भी चला लेते हैं so यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है जीरो स्लैश जीरो पार्टिसिपेट कर रहा है इन ग्रुप वन और स्टेटस अभी इस बॉक्स का क्या है एक्टिव दूसरे बॉक्स का स्टेटस क्या है आपका ना जो फर्स्ट डिवाइस है आपका वो क्या है एक्टिव दूसरा डिवाइस क्या है आपका स्टैंड बाय आपका अभी टू स्टेट चेंज हुआ है यहां पे लास्ट चेंजेस ये कुछ मिनट पहले आपको दिख रहा है वर्चुअल आईपी क्या है आपका जो आपने डिसाइड किया था 254. और वर्चुअल मैंने आपसे कहा था अगर आप एच एस आर पी यूज कर रहे हो तो वर्चुअल मैकेड से स्टार्ट होती है जीरो सी जीरो सेवन यहाँ पे प्रियमशन की टेक्निक आपकी डिसेबल है और जो आपने हेलो टाइमर और होल्ड ऑन टाइमर दिया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो राउटर है आपका एक्टिव राउटर ये आपका लोकल राउटर यानी ये जो राउटर है आपका आर वन ये आपका एक्टिव है और इस वन को यह पता है कि स्टैंड स्टैंड बाय राउटर कहाँ पे स्टैंड बाय राउटर क्या है आपका और इस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है कंफिगर किया था दूसरा डिवाइस आपका ये स्टैंड बाय मोड में बैठा हुआ है और आपको दिख रहा है वर्चुअल मैकेट जीरो ये आपका वर्चुअल आईपी पी प्रेमशन अभी डिसेबल है मैंने आपसे कहा था प्रेमशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है एक्चुअल वर्टर वर्चुअल राउटर आपका एक्टिव राउटर आपका कौन सा है टेन डॉट वन तो इस स्टैंड बाय डिवाइस को ये क्लियर है कि इसका एक्टिव राउटर कौन सा है वो है टेन डॉट वन क्योंकि इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है हाईर है और ये डिवाइस आपका स्टैंड बाय मोड में है ये स्टैंड बाय क्या है आपका लोकल राउटर क्यों क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो आपने क्या कन्फिगर किया था वन ट्वेंटी तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो, ये जो आपका आर वन है ये आपका एक्टिव है तो अगर मैं यहाँ लैंड मशीन पे आता हूँ और आपने थोड़ी देर पहले गेट वे सेट किया था ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ गेट वे आपका है टू फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फोर ये आई पी आप किसी इंटरफेस पे कॉन्फिगर आपने नहीं किया हुआ है आपने दो आई पी ओ कम्बाइन किया और एक वर्चुअल आई पी क्रिएट किया तो ये वर्चुअल आई पी अब यूज़ कर रहा हूँ मैं एज अ गेट वे सो so, अगर मैं यहां से पिंग करूं फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर को तो ट्रैफिक ट्रेवल हो रही है ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है और अगर मैं कर किन टेन डॉट फन ट्राफिक आपकी जा रही है टेन डॉट वन से ना अब यहाँ पे यहाँ पे प्रियम्शन की टेक्निक क्या है आपकी डिसेबल है तो इसको इनेबल भी कर लेते हैं आप इंटरफेस पे चले जाओ जीरो स्लैश जीरो standby 1 और यहाँ पे कमांड क्या होती है preempt आपको यहाँ पे दिखेगा preempt तो मैंने बोला preempt इनेबल किया आपने preempt हम लोग इनेबल कर लेते हैं ऑन r2 राउटर fast ether 0/0 standby 1 preempt सो अगर आपने preempt इनेबल कर लिया तो एक काम करते हैं मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ अभी तो ट्रैफिक किधर से जा रही है जाहिद राजन करण

और ये डिवाइस आपका एक्टिव है और ये डिवाइस आपका स्टैंड बाई है तो अगर अगर डिसेबल हो तो क्या होगा अगर एक्टिव बॉक्स आपका डाउन होता है स्टैंड बाई आप से ट्रेवल कर रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर ये बॉक्स आपका फिर से अप होता है तो मैं चाहता हूँ ये ट्रैफिक ये बॉक्स अप हो गया बट ये बॉक्स किस मोड में होगा अभी भी स्टैंड बाय या पैसिव स्टेट में होगा अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जो एक्टिव डाउन हुआ है अगर वो फिर से अप होता है तो अगेन वो क्या बनेगा एक्टिव राउट एक्टिव कर तो आपको प्रियम्शन की टेक्निक क्या करनी होगी इनेबल करनी होगी क्लियर है मेरी बात यस सर क्लियर नाउ अब यहाँ पे प्रियम्शन आपने इनेबल किया है प्रियम्शन आपने इनेबल किया हम एक काम करते हैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशियट करते हैं मैं पिंग करता हूं रिपीट के साथ टेन थाउजेंड तो मैं यहाँ से पिंक की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कंटिन्यूस रिक्वेस्ट ठीक है आप ध्यान देना आपको देखो मैंने अब थोड़ी देर के बाद आपका ये, जो है, ये ये आपका डाउन हो गया ये डिवाइस आपका डाउन हो गया तो देख रहे हो आप पैकेट लॉस चल रहा है एवरीवन पैकेट आपका लॉस हुआ है कितना देख रहे हो आप यहाँ पे राजन करण जाहेद तो तो हाँ, आप कह नहीं सकते पे ये बॉक्स देखो आपने डाउन कर दिया देख आप रेड हो गया सर वो दूसरा एक्टिव हो गया और ये दूसरा एक्टिव हो गया कैसे ट्रैफिक आपकी आर टू से ट्रेवल कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ तो पहले आप आर टू पे वेरीफाई करो देखो मैसेज भी मिल गया ये इसका स्टेटस पहले क्या था स्टैंड बाई अब ये क्या हो गया एक्टिव सो so, अभी थोड़ी देर पहले आपने आउटपुट चेक किया था वेट सो स्टैंड बाई तो इसका आउटपुट किया था स्टैंड बाय सो अगर मैं फिर से चेक करता हूँ शो स्टैंड बाय तो अब इस डिवाइस का स्टेटस क्या है एक्टिव एक्टिव क्लियर एवरीवन यस सर यस सर अब अगर थोड़ी देर के बाद ये डिवाइस आपका अगर अप होता है तो थोड़ी देर के बाद तो पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं मैंने पैकेट कुछ ज्यादा ही ले लिया तो ये टाइम लेगा वेट कर लीजिए सर कुछ और जमा कर रहे हैं। फिर से बोलिए मैं कुछ और पैकेट जमा कर रहे हैं, दस हजार हाँ, हाँ, मैंने तो है। टाइप कर दिया तो ये काफी टाइम लेगा वेट सो so, एक बार ट्रेस करके देख लेंगे हम लोग कि ट्रैफिक आपकी आर टू से ट्रेवल कर रही है और थोड़ी देर के बाद अगर मैं वो डिवाइस आपका आर वन फिर से अब होता है तो वो डिवाइस अगेन आपका हो जाएगा एज अ एक्टिव राउंड क्योंकि प्रियम्पन आपने इनेबल किया है और उस डिवाइस पे प्रियोरिटी वैल्यू किया है हाई एन अगर आपने प्रियम्शन इनेबल किया है तो फिर क्या होगा जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हाइयर होगी वो एक्टिव होगा फिर से इस डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं वेट, ये टाइम लेगा इस डिवाइस को स्टार्ट लगाते हैं वेट। अगर ये डिवाइस आपका स्टार्ट हुआ कंसोल एक्सेस करते हैं इसका ये आपका आरफोन अभी ये स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लीजिए ये राउटर आपका आई थिंक हमने कॉन्फिगरेशन इस पे सेव नहीं किया था क्या प्लीज शो आईपी यू टू प्लीज ओके वेट राउटर पे हम लोगों ने कॉन्फिगरेशन सेव नहीं किया था राजन आप लोग से दो मिनट रुक चलिए इस डिवाइस पे प्रायोरिटी वैल्यू हायर है तो ये बनेगा एक्टिव थोड़ा सा रुक जाए मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर लेता हूँ यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं नाउ अब आप फिर से वेरीफाई कर लो ये बॉक्स आपका क्या है शो स्टैंड बाय ये बॉक्स क्या है आपका एक्टिव क्योंकि तो इस बॉक्स पे आप क्या यूज कर रहे हो प्रायोरिटी वैल्यू हायर वन फोर्टी और ये डिवाइस आपका फिर से क्या बन गया शो स्टैंड बाय ये क्या बन गया एज अ स्टैंड बाई क्योंकि आप यूज कर रहे हो लोअर हैं बार फिर से देख लेते हैं अगर आपका आपका ये ये डाउन होता होता है है में सेव किया फिर से डिवाइस स्टार्ट पावर ऑन हो गया आपने कंसोल ले लिया जैसे ये डिवाइस ये डाउन हुआ जो दूसरा तो स्टार्ट होने दीजिए फिर देखते हैं शो, अभी स्पीक में स्टार्ट होने दीजिए ये देखिए डिवाइस आपका स्टैंड बाय की तरफ गया है तो शो अभी थोड़े में एक्टिव हो जाएगा क्योंकि तो ओके प्रियम शर्ण से वेट इस बॉक्स को मैं फिर से पावर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि प्रेमशंग की डिसेबल प्रियमशंग की जो टेक्निक है वो इनेबल नहीं थी तो मैंने इसे पावर ऑफ किया और फिर से स्टार्ट पे लगा रहा हूँ कंसोल आर टू पे अगर आप फिर से वेरीफाई करोगे तो ये एक्टिव हो चुका है आर टू राउटर अब हमें आउटपुट बन सकता है ठीक है प्रेमशन आपने इनेबल किया दोनों डिवाइसेस पे और प्योरटी वैल्यू हाइर आप यूज कर रहे हो ऑन आर वन राउटर सो ये राउटर आपका बच जाएगा ऑटोमेटिकली अगेन एक्टिव यहां आते हैं शो स्टैंड बाय स्टैंड बाय में है वेट कर लीजिए दो मिनट रियमशन हमने इनेबल किया ना डिसेबल फिर से कैसा हो गया थोड़ा सा वेट कर लीजिए इनेबल नहीं लास्ट टाइम इनेबल नहीं हुआ था बट ये डिवाइस फिर से स्टार्ट हो गया और अगर आप देखोगे तो ये डिवाइस क्या हो गया एक्टिव और डिवाइस आपका तुरंत क्या हो गया स्टैंड बाय आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा राजन कर अगर आपको वी आर आर पी कॉन्फिकेशन करना है इस टोकोलॉजी में तो कुछ भी नहीं करना है जहां पे आपने स्टैंड बाई की है सिर्फ आपको यहाँ पे यूज करना होता है वी और कुछ भी कमांड में चेंजेस नहीं सो so, मैंने यहाँ पे स्टैंड बाई को मैंने क्या लिखा वी आर आर आपको कॉपी करना है और आप यहाँ पे वी आर आर पी कर सकते हैं वेट तो मैं यहाँ पे आरबू पे आ रहा हूँ जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस नो स्टैंड बाई वन आर वन, फास्ट वन, अगर आप शो कमांड को करते कोई एच एस आर पी का आउटपुट आपको नहीं दिखेगा नहीं सो इस इंटरफेस पे आते हैं जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस पे और मैं VRRP आर आर पी करना चाह रहा हूँ तो आपने इसे कॉपी किया टाइमर्स हटा दीजिए आप एड्रेस प्रियोरिटी वैल्यू प्रियम्पन इनेबल होता है डिफॉल्ट आपको इनेबल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रियम्पन वाली कमांड में यूज नहीं करूंगा यहाँ पे वेट ग्रुप नेम यहाँ पे मैं वी आर पी इनेबल कर रहा हूँ सिर्फ मैंने प्रियोरिटी वाली असाइन किया है और यहाँ पे आई पी असाइन किया है और अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो शो शो वी आर आर पी कमांड होती है तो ये डिवाइस आपका बैकअप है और ये आपका मास्टर थोड़ी देर में हो जाएगा वेट ओ वेट आई थिंक हम लोगों ने दोनों जगह प्रियोरिटी वाली सेम रख दी है 140, 140. वेट मैं चेंज कर दे रहा जीरो स्लैश जीरो VRRP वन priority value वी आर आर पी शो वी ये डिवाइस आपका है मास्टर क्योंकि आप इस पे यूज कर रहे हो हाईअर प्रायोरिटी वैल्यू और देखो प्रियम्पन हम लोगों ने इनेबल नहीं किया बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल होता है इन वी आर ये डिवाइस आपका है मास्टर और जो दूसरा आउटर वो क्या है आपका बैकअप अगर आपका मास्टर राउटर डाउन होता है अगर आपका मास्टर राउटर आपका डाउन हो गया तो ये जो बैकअप राउटर है R2 ये बन जाएगा एज अ मास्टर राउटर देखो आप अगर आप शो वी आर टाइप कर रहे हो तो ये है आपका मास्टर क्लियर है ये टॉपिक ये है आपका टॉपिक एफ एच आर पी जी सर क्लियर और ये है आपकी सीसी की ट्रेनिंग अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को होगा कोई टॉपिक तो आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है एवरीवन जी सर मैंने सरे. आप लोगों को सीसेने का डम्स क्वेश्चन भेजा है क्या नो नो के अंदर तो मैं अभी आप लोगों को डम्स क्वेश्चन भेज देता हूं ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए ओके okay, करण चाहित राजेश जी सर जी ओके थैंक यू सर बाय एवरीवन टेक केयर गाइस मैं मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूं रिव्यू के लिए